मेरे जीवन हाथी। हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, हाथी। ना ना साथी नहीं, हाथी। अरे भाई वो हाथी मेरे साथी वाला हाथी। ओहो कंफ्यूज मत होइए, ये मैं नहीं कह रही, दरअसल ये तो कह रहे हैं हमारे करण और कृतिका। वेलकम टू द सास बहु साजिश। मेरे जीवन साथी हाथी विद मी करण कुंद्रा एंड कृतिका कामरा। और मेरा नाम भूल गई नहीं भूला, जब भी मेट कब भी मेट कितनी की कास्टिंग हो रही थी और कृतिका जी को मनाया जा रहा था कि प्लीज आप ये शो कर लीजिए। नो बेसिकली वहाँ पे एक लुक टेस्ट जैसा कुछ हो रहा था और उस दिन से रिवाइज हुआ कि मैं एक जीवन हाथी हूँ। नोबडी इज प्रपोज टिल नाउ। छोटी बहुत छोटी हूँ, नेवर प्रपोज। सॉरी लाइक वॉट करण इज दैट सब लोग ऐसे, ही इज ऑब्वियसली ही इज अंडरस्टैंडिंग, ही इज केयरिंग, ही इज अ नाइस पर्सन एंड ऑल दैट, ऑब्वियसली वो सब कुछ है, बट सबसे अच्छी जो बात है दैट ही इज फनी, ही इज अ कार्टून। पापी मेरे को ये क्यों पसंद है, क्योंकि एक नंबर की हिटलर है ये, ऐसे मतलब कंट्रोल फ्रीक है ये। वो तुम्हें पसंद क्यों है पता नहीं, कुछ तो आजकल वो लेटेस्ट तुम्हारा गेम, एक तो पहले फोन नहीं उठाता था और फिर फेसबुक, और अभी जो लेटेस्ट उसका शुरू हो गया है गेम, तो वो तो छोड़ने का नाम ही नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि हर्षद ने मेरे ही फोन पे बहुत सारी गेम डाल दी, और हर्षद के तो मैं सर पे मेरा फोन मारने वाली हूं। मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं और मेरा आईफोन। और इसके बारे में सबसे गंदी चीज, मुझे कुछ खराब नहीं लगता। झूठ मत बोलो, कुछ याद नहीं आ रहा आजकल, तुम बिहेव कर रही है ना। तुम्हें बिहेव कर रहा गुड गुड। एक चीज जो मैं चेंज करना चाहूंगी करण के अंदर, वो होंगे इस टाइम जो उसने कपड़े पहन रखे हैं। कृतिका के बारे में ऐसी कोई चीज जो मैं चेंज करना चाहता हूँ, अगर ऐसी कोई चीज होती कृतिका के अंदर जो मैं चेंज करना चाहता तो मैं फिर कृतिका के साथ क्या था। पॉइंट पॉइंट डिप्लोमेटिक आंसर देते हो तुम। इससे पहले कुछ नहीं किया है, मैं जा रही हूँ। इसका बर्थडे था और मैं पूरा कहाँ से ड्राइव करके, मैं जलंधर से ड्राइव करके बॉम्बे तक आया, मेरे को 3 दिन लगे, और उसके बाद मैंने 3 दिन लगाए कार्ड बनाने को, क्योंकि कहाँ पिका हुआ मुझे याद भी नहीं। ये करण ने मेरे लिए की थी और मैंने कुछ कियो, वो करण को पता होगा, बट एक्चुअली मेरे आई डोंट थिंक ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मैंने कुछ भी स्पेशल किया, बिकॉज आई थिंक वो हम लड़कियाँ वी आर सपोज टू बी द प्रिंसेसेस, और हमारे लिए स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए। वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम्हें करना पड़ता है। ओके जी, ओनली थिंग अबाउट कृतिका, कृतिका की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे टच करके जाती है वो ये है कि अगर मेरा बहुत 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 खराब मूड होता ना, कि मतलब मैं किसी को भी गोली मार दूँ, मतलब मैं टेररिस्ट मूड में होता हूँ कि मेरे सामने कोई ना हो, तो एक ही इंसान है पूरी दुनिया में जो मुझे काम डाउन कर। मैं तो फॉल डाउन होने वाली हूँ। झूठ नहीं बोल। ओके बात अभी भी समझ में नहीं आया हाथी को। सीरियस स्टफ ऑन चार्जिंग सर्विस। ओके ओके।